गाइज, जैसा कि अपने प्रीवियस के वीडियो में मैंने बताया था आपको पेटीएम फर्स्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में, वहाँ पे मैंने बताया था आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, किस तरीके से आपको फ्यूचर में अप्लाई करना वाला होगा। तो यहाँ पे मैं आपको फुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊँगा किस तरीके से आप सभी को पेटीएम फर्स्ट का जो क्रेडिट कार्ड है उसके लिए आपको अप्लाई करना, क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। पेटीएम ऐप को सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाओ और प्ले स्टोर पर जाकर के सबसे पहले आप पेटीएम ऐप है जो उसको अपडेट कर लो, बिकॉज यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ही बनाना पड़ेगा, वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊँगा। देखिए गाइस, अगर आपने प्रीवियस का वीडियो नहीं देखा है ये वाला वीडियो, तो आप सभी लोग चाहिए सबसे पहले इस वीडियो को देख लीजिए, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें आपको समझाई है। अभी मैं एक तरह से ये बोल सकते हैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट बना रहा हूँ, यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। देखिए, अगर आप सबसे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब कर रखा है तो इस बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाले और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंटली मिल सके। एंड सपोर्ट ग्रुप में यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चलिए गाइस, फटाफट से हम स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं। सबसे पहले कहीं आप प्रीवियस का वीडियो नहीं देखा तो देख लेना यार, आपको तभी सारी चीज़ें समझ में आएगी। और पेटीएम फर्स्ट का जो क्रेडिट कार्ड है वो किस तरीके से मिलेगा, सबसे पहले आप प्ले स्टोर से ऐप को अपडेट कर लो। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये पेटीएम के कुछ ही यूज़र्स को अभी दिया गया है, उनमें से एक लकी यूज़र मेरे को बोल सकते हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या आपके अकाउंट पर अभी शो कर रहा है या नहीं कर रहा। सो गाइस, सबसे पहले आपको पेटीएम ऐप को अपडेट कर लीजिएगा। एंड आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपके अकाउंट में शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने पर्सनली अपने तीन पेटीएम अकाउंट, तीनों फुल केवाईसी वाले अकाउंट पर ट्राई किया। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको शो करेगा तो केवल और केवल आपके जो केवाईसी फुल केवाईसी वाला अकाउंट है उसी पे शो करेगा। सबसे पहले पेटीएम ऐप को मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप पेटीएम ऐप को ओपन करते हो, ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर थ्री लाइन पर आपको टैप करना है। सो गाइस, जैसे ही आप यहाँ पे टैप कर लेते हो, नीचे की तरफ यहाँ पे अगर आओगे तो आप यहाँ पे आपको एक कार्ड दिखाई देगा। देखिए, लिखा हुआ दिखाई दे रहा है पेटीएम फर्स्ट। देखिए, ये वाला ऑप्शन जो है बहुत ही सेलेक्टेड यूज़र्स को दिखाई देगा, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, क्या है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को क्लिक करना है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे आ गया से हेलो। आप जब कार्ड के लिए अप्लाई करोगे तो कुछ इस तरह का आपको कार्ड मिलेगा। सो गाइस, यहाँ पे आपको कार्ड कुछ इस तरह का दिखाई देगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको 1% का पूरा कैशबैक मिलता है। और यहाँ पे जो कैशबैक है वो रिवॉर्ड्स पॉइंट में नहीं आता, जो भी मतलब पॉइंट होगा, कैशबैक होगा, वो ऑटोमेटिकली जब भी आपका मंथली बिल आएगा उसमें ऑटोमेटिकली एडजस्ट यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई भी प्राइम मेंबरशिप जो फीस कुछ भी नहीं देनी है आपको। एनुअल फीस जो है वो 500 रुपये लगेगी, लेकिन अगर आप 50,000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन कर लेते हो एक साल में तो आपका कोई भी यहाँ पे फीस नहीं लगेगी, तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ से आपको अप्लाई वाला जो बटन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करोगे तो मैंने अपना जैसे नेम, फादर, सारी चीज़ें यहाँ पे डाल देनी है, जो चीज़ें भी मांग रहा है वो यहाँ पे डाल देता हूँ फटाफट से। सो गाइस, यहाँ पे मैंने अपना पूरा पर्सनल डिटेल फिल कर दी है। एंड उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे आपको प्रोसीड वाला बटन दिखाई दे रहा है, इस प्रोसीड वाले बटन पे मैंने क्लिक किया। एंड प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह ये सारी चीज़ें लिखनी होगी आपको। उसके बाद गाइस, यहाँ पे आप अपना टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिएगा और सबमिट वाले बटन पे टैप कर दीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पे टैप करोगे तो देखिए ये लिखा हुआ आ चुका है, सबमिटिंग एप्लीकेशन हो गया। यहाँ पे पेटीएम फर्स्ट की जो एप्लीकेशन है मेरी सक्सेसफुली कर दी, योर एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड, नोटिफाई वंस योर एप्लीकेशन। देखिए, ऊपर मेरे पास पेटीएम की तरफ से एक मैसेज भी मुझे यहाँ पे रिसीव हो चुका है। ये फुल प्रोसेस था, मैंने आप सभी को बता दिया। एंड जब भी ये अप्रूव हो जाएगा, देखिए पेटीएम का आपको की तरफ से मेरे पास मिल, कुछ ही टाइम में अगर आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो जाएगा एंड प्रोसीड हो जाएगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली जो कार्ड है वो मेरे एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगा। ये था फुल प्रोसेस। तो गाइस, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप सब लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और सबसे पहले यूट्यूब पे वीडियो डाल के देने का मैंने कोशिश किया है, आप लोग कमेंट में बताओ वीडियो कैसा लगा। कोशिश करूँगा आगे और भी अच्छे वीडियो बनाने की। मिलता हूँ आपसे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।